गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा आठवीं का वीडियो नंबर 14 में स्वागत है। हम शब्द रूप कर चुके हैं, आज हम धातु रूप करेंगे। आपने छठी और सातवीं कक्षा में भी धातु पढ़ी हैं, याद की हैं। आइए थोड़ा सा उनके विषय में और जानते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कोई भी कार्य होता है, कौन कर रहा है, काम क्या है, यानी कि होने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु है, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। संस्कृत में उसके लिए शब्द है धातु। धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर क्रियापद बनाए जाते हैं। जैसे शब्दों में शब्द रूप में भी प्रत्यय जोड़कर शब्द रूप बनाए जाते हैं, वैसे ही धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रियापद बनाए जाते हैं। फिर हमारी जो क्रिया हैं या क्रियापद हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, परस्मै पद और आत्मनेपद पद। कुछ धातुओं के रूप दोनों प्रकार से चलते हैं, यानी कि कई धातु ऐसी हैं जो परस्मै पद में भी मिलेंगी और आत्मनेपद पद में भी, उसे उभय पदी कहते हैं। उभय दोनों तरह से। संस्कृत व्याकरण में धातुओं को 10 भागों में बांटा हुआ है। प्रत्येक भाग को गण कहते हैं। 10 भाग हैं, परंतु आपकी कक्षा में सिर्फ 5 हैं। ये आपको गण दिखा रखे हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको 5 जो गण बताए गए हैं वही आपको याद करने हैं। देखो, द्विवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, अयादिगण, जुहोद्यादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, भवादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी और आगे बड़ी क्लासेस में जाकर इनका जो एक्सप्लेनेशन होती है वो होता है। अब जो भी हमारी क्रिया होती है उसको काल में बांटा जाता है, समय के आधार पर, कि वो जो काम है, वो होने वाला कार्य है, वो कौन से काल में हुआ है, भूतकाल में, भविष्य काल में या वर्तमान काल में। संस्कृत व्याकरण में काल को कई भागों में बांटा हुआ है, किंतु मुख्य रूप से 5 कालों का ही प्रयोग होता है और उसके मुख्य 5 लकार इस प्रकार हैं। लकार, जैसे हम काल बोलते हैं संस्कृत में, उसको लकार बोलेंगे। वर्तमान काल लट लकार, भविष्यत काल लिट लकार, भूतकाल लंग लकार, आज्ञा आदि में लोट लकार, जहाँ हम आज्ञा देते हैं कि पानी लाओ, बैठो, पढ़ो, चाहिए, प्रार्थना आदि में विधिलिंग लकार। प्रत्येक गण की धातुओं के रूप एक ही प्रकार से बनते हैं, उनके कुछ इस प्रकार हैं। आपको पहले भी पीछे वाली कक्षाओं में भी ये याद करवा रखे थे, तो आपको इस मई के जो सिलेबस में है, मैं आपको 3 धातुएं ही करवाऊंगी, वही आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखनी है और याद करनी है। फेयर नोटबुक में लिखकर याद करके जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट बनेगा। तो ये आपकी पहली है पठ धातु, इसके फेयर नोटबुक में आप 5 लकार लिखोगे, बहुत सुंदर लिखने हैं। जैसे आप छठी सातवीं कक्षा में अपना कार्य करते थे अच्छे से, रुचिरा वाली जो नोटबुक है, अगर आप चाहो तो उसको हाफ हाफ डिवाइड करके उसमें ये संस्कृत का कार्य कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि मुझे दूसरी कॉपी बनानी है, आप दूसरी कॉपी भी बना सकते हो। ये लट लकार पठ धातु का, लिट लकार, लंग लकार, ये लोट लकार, ये आपकी पठ धातु है। पठ धातु के बाद पठ धातु का आपका 5वां लकार है, विधि लिंग, चाहिए या प्रार्थना के अर्थ में। आपने छठी कक्षा से इसको याद कर रखा है। फिर है गम धातु, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, याद भी करनी है।
आपको ये दोनों धातु याद करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप दो कक्षाओं में इनको अच्छे से याद कर चुके हैं। आप इनको अपनी कॉपी में लिखोगे। अब तीसरी है जो धातु हमारी है, नम। ये अभी तक आपने नहीं याद की है, परंतु हमारा सेम पैटर्न इसी की तरह है, पट धातु की तरह। इसमें बस लृट लकार में थोड़ा नम धातु का रूप बदल जाता है। जैसे देखिए, नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति, नंस्यसि नंस्यतः नंस्यत, नंस्यामि नंस्यावः नंस्यामः। बाकी आपका और सारे लकार उसी की तरह हैं जो आपके पठो गम के थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये तीनों धातु अपनी नोटबुक में आप लिखोगे, इनको याद करोगे, अच्छे से लिखनी है, बहुत अच्छे से लिखनी है, याद करनी है। आपका शब्द रूप और धातु रूप का व्याकरण का यही काम है। संधि वगैरह मैं समझा चुके, लेकिन संधि सिलेबस में, मई के सिलेबस में आपकी संधि नहीं आएंगी। धन्यवाद।